अस्सलामुअलैकुम उस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे किचन में खाने के साथ साथ सब्ज़ी धोने का भी बहुत ज़्यादा होता है कि सब्ज़ी को हमने वॉश किस तरीके से करना है, और भिंडी को असल में जो वॉश करने का तरीका है वो कोई कोई जानता है, हर कोई नहीं जानता। बाद लोग भिंडी लेके आते हैं, इसको अच्छे से बस पानी में से एक दो दफ़ा निकाल के और इसकी कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद भिंडी को पका लेते हैं। जी नहीं, मैं भिंडी को किस तरीके से वॉश करती हूँ और किस तरीके से पकाती हूँ आज मेरे साथ रहिएगा। मैं वॉश करने का तरीका बताऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें मैं इसमें शामिल करती हूँ और अच्छे से वॉश करती हूँ। भिंडी में ये छोटी छोटी सी जो डंडियाँ होती हैं ये तो निकल जाती हैं पानी के साथ, मगर एक भिंडी के अंदर फ्रेशनेस और बहुत ही अच्छी ताजगी जो लाने के लिए जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ, और भिंडी को अच्छे से ही धोना चाहिए क्योंकि बाद में तो भिंडी धो ही नहीं सकते हम, पहले ही धोनी चाहिए भिंडी को, तो इसलिए मेरे साथ रहिएगा। इससे पहले करते हैं, चले मेरे साथ किचन में। चाहूँगी कि भिंडी धोना कोई आसान मुश्किल नहीं है, आसान है बहुत ज़्यादा। तो जी नहीं, भिंडी को धोना बहुत मुश्किल है और भिंडी अच्छे से ही धोनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जम्स होते हैं। सब्ज़ी वाले इसको हाथ से जिस वक्त लेके आते हैं बहुत अच्छे से इसको हमने वॉश करनी है भिंडी को। बैंगन वगैरह जो होते हैं वो कटिंग अंदर से होती है, वो बाहर से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, मगर भिंडी को अच्छे से वॉश करना पड़ता है। चले आए मेरे साथ। चलिए एक मैं अच्छा सा गोल गहराई वाला बाउल ले लूँगी और ये मैंने बॉल इसके अंदर डाल दिया, पानी डाल दिया और इसको हमने ये देखिए कितना इसका गंध है, इसका गंध है। ये भिंडी के जो छोटे छोटे से होते हैं ना ये पत्ते, ये बहुत अच्छे से वॉश करने होते हैं और हमने इसको कितने ही पानी में हमने वॉश करना है अच्छे से खुले पानी के साथ। अच्छे से वॉश करना है इसको, और मैं सब्ज़ी जब भी लेके आती हूँ मैं एक पानी से नहीं, मैं कितने पानी के साथ सब्ज़ी को अच्छे से वॉश करती हूँ और फिर जो है इसको मैं बनाती हूँ। अब कमेंट्स में ना कह दीजिएगा कि आप धोती हैं तो हम भी धोते हैं। जाहिर सी बात है आप लोग भी धो के ही पकाते होंगे, मगर इस तरीके से अगर भिंडी को आप धोएंगे तो भिंडी आपकी बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छी बनेगी। झुमके वगैरह ये जो मिट्टी भी होती है इस तरह का भी बिना धोएंगे, इस तरह खुले पानी में धोएंगे। दो चीज़ों का अभी मैंने और इस्तेमाल करना है, वो जब भिंडी धुल जाएगी उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे और मैं बताऊंगी कि वो कौन सी दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको, अगर आप इसको कटिंग करके फ्रिज में रखेंगे तब भी आपकी भिंडी ख़राब नहीं होगी। पानी के बाद धोने के बाद भी अभी भिंडी में गंध है, मैं अभी एक और पानी से अच्छे से धोऊंगी। ये देखें तीसरे पानी में ये भी गंदा था, इसको भी वॉश करेंगे दोबारा, हम इसको धोएंगे एक दफ़ा और चार दफ़ा भिंडी हमारी धुल जाएगी। से पांच पानी में मैंने इसको धो लिया है, अब बाउल में मैंने पानी डाला हुआ है और इसके अंदर चला जाएगा 2 टीस्पून शुंठी का विनेगर, हर घर में मौजूद होता है, 2 टीस्पून में इसमें डाल दूँगी। अगर आप इसको महफूज भी करना चाहते हैं ना, कि अगर आप 2 दिन के बाद पकाना चाहते हैं और आप कहते हैं हम फ्रिज में महफूज करना है, तो आप इसको कटिंग करके आप इसको महफूज भी कर सकते हैं, ठीक है, ख़राब नहीं होगी भिंडी आपकी। 1 टीस्पून नमक चला जाएगा, इसको हाथ से अच्छे से डिप कर लेंगे हम सिरके के पानी और नमक के अंदर, अच्छे से डिप करेंगे हम। तकरीबन 5 मिनट डिप करके रखेंगे, 5 मिनट के बाद इसको निकाल के एक टोकरी में डाल देंगे। भिंडियों को हमने एक टोकरी में डाल दिया, एक मैंने टोकरी और ले ली है, एक किचन टावल ले लेंगे, आपके पास कोई भी किचन टावल हो आप किचन टावल वो ले लें इस तरीके का, और इसके अंदर हम भिंडी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक रख के साफ़ करें, इसको खुश करें, आप इस तरीके से काफ़ी सारी सारी रख के, ये देखिए कपड़ा गीला हो जाएगा और भिंडी आपकी खुश्क हो जाएगी, ये देखिए इस तरीके से आपने खुश्क करती जानी है और टोकरी में डालती जानी है। मैं इसी तरीके से सारी भिंडी को कपड़े में डालूंगी और खुश्क करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही चमक वाली और शानदार सी, साफ़ सुथरी सी, बहुत ही अच्छे तरीके से धुली हुई वॉश हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलामुअलैकुम।